हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में तो इस वीडियो में मैं स्टोन पेंटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं इस बड़े से पत्थर पर गणेश जी की पेंटिंग करूँगी तो सबसे पहले हम इसे पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें कलर करने में आसानी हो मैं आपको बता दूँ कि मुझे पत्थर ढूँढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा जब हमें कोई चीज़ चाहिए रहती है तब वह हमें उसे ढूंढने में या उसे पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है तो वो खुद ही अपने सामने आ जाती है इस पत्थर को ढूँढने में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि मुझे इस तरह का पत्थर चाहिए था और मैंने अपने घर के आसपास भी देख के आई लेकिन मुझे मिला नहीं फिर एक दिन मेरा आवली घाट जाना हुआ बहुत प्यारा घाट है तो वहाँ पर बहुत सारे पत्थर मिल जाते हैं लेकिन वहाँ भी मैंने बहुत ढूंढा बहुत पत्थर थे लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वो मिलना मिल नहीं रहा था फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे नहीं मिलने वाला कोई और ही पत्थर लेके चलती हूँ मैंने कोई और पत्थर ले लिया था और मैं घर जाने के लिए निकल ही रही थी कि मुझे अचानक ये पत्थर दिखा और मैंने इसे उठा घर ले आई क्योंकि ऐसा अधिकतर होता है कि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो तुरंत मिल जाएगी और जब कुछ चाहिए रहता है तो उसे ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो यहाँ पर मैं स्टोन पे जो कलर का यूज़ कर रही हूँ वो एक्रैलिक कलर है क्योंकि एक्रैलिक कलर सूखने के बाद बहुत शाइन करता है और पानी से धुलता भी नहीं है इसलिए मैं अधिकतर एकलिक कलर का ही यूज़ करती हूँ अगर आप भी करो तो एक्रेलिक कलर का ही यूज़ करना मैंने इसमें ऑरेंज कलर करने का तो नहीं सोचा था लेकिन जो मैंने येलो कलर किया था वो बहुत ही ऐसे सिंपल दिख रहा था तो फिर मैंने इसे ऑरेंज कलर कर दिया तो ये और ज़्यादा अच्छा लगने लगा फिर मैं यहाँ पर एक्रेलिक का रेड कलर करके लड्डू बना रही हूँ जो कि गणेश जी के फेवरेट होते हैं और इस इसे पूरा कंप्लीट करने के बाद अब मैं लास्ट में आउटलाइन कर लूँगी क्योंकि आउटलाइन के बिना कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है मुझे तो नहीं लगती है आउटलाइन से इसका और अच्छा लुक दिखने लगेगा आप वीडियो को आखिरी तक देखें तो आपको भी लगेगा कि आउटलाइन से वाकई बहुत अच्छा दिखने लगता है तो मैं इस पर आउटलाइन कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और लाइक करना और अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो मेरी किसी भी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो मैं सबकी कमेंट देखती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ अब इनकी आउटलाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं बनाऊँगी गणेश जी की प्यारी प्यारी आंखें आंखें बनाने के बाद जो नीचे थोड़ा स्पेस खाली है तो मैं यहाँ पर पूरे पे ब्लैक कलर कर दूँगी फिर इससे ऐसा लगेगा कि गणेश जी यहाँ पर बैठे हैं अभी ऐसा लग रहा था कि हवा में है तो यहाँ पर मैं थोड़ा इतनी जगह में ब्लैक कलर कर दूँगी अब छोटा सा यहाँ पे एक चूहा बनाऊँगी क्योंकि ये गणेश जी की सवारी होता है इसे कंप्लीट करने के बाद मैं लूँगी रेड कलर और रेड कलर से गणेश जी का तिलक करूँगी और तिलक करने के बाद हाथों में थोड़ी सी डिज़ाइन बना दूँगी और अब यहाँ पर उनकी सून में थोड़ी सी मुझे डिज़ाइन करनी होगी जिससे और अच्छे लगेंगे तो अब यहाँ देख सकते हैं गणेश जी रेडी हो चुके हैं और मेरी स्टोन पेंटिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है अगर आप ऐसी और भी स्टोन पेंटिंग देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमारा भी मन हो कि हम और अच्छे अच्छे स्टोन पेंटिंग तथा क्राफ्ट वर्क करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो